हाँ रौनक, मैंने सोच लिया है कि आज मैं अपनी नई वसीयत साइन कर ही दूंगा। हाँ हाँ, आज तो कर ही दूंगा, यही मेरे सामने पड़ी हुई है। हाँ नई वाली। लेकिन मैंने अपना इरादा थोड़ा बदल दिया है। अपनी पिछली वसीयत में मैं जस्टिस को ज्यादा पैसे देने वाला था, उनमें से अब किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। मेरी बेटियां अपने पतियों के बहकावे में आकर मुझे छोड़कर चली गई हैं। मेरे रिश्तेदार सिर्फ पैसों की वजह से मुझसे बात करते हैं। नफरत करता हूं मैं सबसे। बैठे हुए सब बाहर मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। पहली वाली वसीयत में ज्यादा पैसे मिल रहे थे हमें, कहीं बुड्ढा वसीयत ना बदल दे। जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता। देखो हमारी इज्जत इस घर में इसीलिए बनी हुई है कि हमारी शादी शैलेन साहब की बेटियों से हुई है। तो साहब क्यों बोलता है उसको? अरे हम इस घर के जवाई हैं, जवाई। हां जवाई हैं। तो कौन सी तोप मार ली? हम लोग यहां क्यों इकट्ठे हुए? इसीलिए ना, क्यों थोड़े से पैसे फेंकेंगे हमारी तरफ? जब जब मैं बोलता हूँ कि मैं नई वसीयत पे साइन करने वाला हूँ, तब तब सब इकट्ठे हो जाते हैं। फल्चर्स। मेरे हस्बैंड पापा की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मैं कहती रहती हूँ कम से कम पापा से प्यार से तो बात करो, उनकी उम्र का तो ख्याल करो। मेरे घर का भी यही हाल है, ये तो पापा के पैसे के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। इन्हीं की वजह से मेरा पापा से मिलना बंद हो गया था। मुझे तो लगता है पापा हमें भी पैसा नहीं देंगे। ये हमारा चाचा हमें कुछ देने वाला नहीं है। बैठे अंदर कमरा बंद करके। हम बार बार आकर अपने यहाँ बेइज्जती कराते हैं। आएंगे तो चार गुलाब जामुन खाएंगे। क्या कर रहे हो? हम गुलाब जामुन की बातें करते रहिए, अंदर सब कुछ बच चुका। चाचा जी हमारा सत्यानाश करते हो। आइए ना, इधर ही खाने के लिए। अच्छा चलो 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 चलो। एक साथ ओके, रेडी वन टू। ये तो पापा की आवाज थी। अरे चिल्लाए क्यों? पता नहीं पापा। चलो पापा, पापा, अंकल, शरेंद्र जी, 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 ये हार्ट अटैक हो। अरे मैं कहता हूँ पुलिस को बुला करके मुसीबत मोल मत लो। घर का मामला है, घर में ही रहने दो। पुलिस को क्यों बुलाते हो? प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। पुलिस को मत बुलाओ। ये खून देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आया? अरे गिरते हो, चोट लग गई होगी पीठ पे। नहीं, कुछ और हुआ है। कहीं किसी ने गोली तो नहीं मार? क्या पर गोली चलने की आवाज सुनी नहीं किसी ने? पर चीख की आवाज तो सुनी थी ना।
चीख की आवाज सुनेगी, हो सकता है वो कमरे में कोई हो। क्या बात कर रहे हो? ध्यान से, उसके पास गन हो सकती है। आओ देखते हैं। संभल के। कोई नहीं है। यहां पर तो कोई नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि दरवाजा ठीक तरह से बंद है कि नहीं। क्यों देख रहे थे? कहीं यहां से कोई भाग ना गया। लेकिन क्या यह दरवाजा खुला हुआ था? नहीं, बंद था। श्योर? अरे श्योर मतलब क्या, बंद था मतलब बंद था। फिर कहां गया होगा वो? मैं कहती हूँ पुलिस को बुलाओ। हुआ कैसे ये सब? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? आप लोग यहां पे थे ना? आपके सामने हुआ ना ये सब? सर हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे, तभी अंदर से चीखने की आवाज आई। हम लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर आए और देखा तो अंकल यहाँ पड़े हुए थे और सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। यहाँ पे कोई दूसरा दरवाजा है? हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे। ये दरवाजा बंद था सर। ये बंद था? नहीं नहीं, खून करने वाला यहीं से भागा होगा और बाद में ये दरवाजा अंदर से बंद किया है। तुम में से कोई और भी इसमें मिला हुआ है जिसने खूनी को यहां से भागने में मदद की है? नहीं सर, ये दरवाजा बंद था। अच्छा सब दरवाजे बंद थे हैं? घर के अंदर खून हो गया है और बंद घर के अंदर से खून करने वाला गायब है। ये दरवाजा, ये बाहर से भी बंद है। बाहर से भी बंद है? क्यों? चोरी बहुत होता था इधर से इसलिए। तुम कौन? जी हम यहाँ के मतलब फार्म हाउस के देखरेख करते हैं। सुधाकर, पेड्रिक्स। यस सर। जरा बाहर जाके देखो, ये दरवाजा बाहर से बंद है क्या? और एक एक खिड़की दरवाजा अच्छी तरीके से चेक करना। ओके सर। हाँ बोलिए, वो कहाँ गायब हो गया? मैंने तुम्हें दरवाजा बंद करते हुए देखा था ना। अरे चुप कर यार, मैं बस दरवाजा चेक कर रहा था। और सीआईडी से कुछ मत कहना वरना बेकार में मुझ पर शक करेंगे। खून अपने आप नहीं हो जाता, समझे? क्या बात कर रहे थे तुम लोग? नहीं नहीं कुछ नहीं सर। ये कौन है? मैं मिस्टर शैलेंद्र का वकील हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। अब बहुत देर हो गई है, आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि शैलेंद्र जी की मौत हो गई है, रादर लगता है उनका खून हो गया है। ओह माय गॉड, मैं इसलिए भागा भागा आ रहा हूँ। वो मुझसे ही बात कर रहे थे कि तभी मैंने अचानक उनकी चीख सुनी।
खून बहुत बह गया है, शायद इतना ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही इनकी मौत हुई है। क्या गोली मारी है? हो सकता है, मगर गोली शरीर के बाहर जाने का कोई घाव नहीं। मतलब गोली शरीर के अंदर ही है? हाँ हो सकती है, मगर अभिजीत एक बात है, ये घाव इतना छोटा है कि मुझे नहीं लगता ये किसी गोली से बना है। ये कोई एयरगन का पैलेट भी तो हो सकता है। यू मीन छर्रा? हाँ सर, गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी ने नहीं सुनी। और एयरगन को बॉडी के बहुत पास से फायर करें तो ही छर्रा अंदर घुस सकता है, वरना छर्रे में इतना दम नहीं होता है। तो किसी ने बॉडी के पास में से फायर किया होगा। मगर घर में तो कोई नहीं मिला है सर। हाँ मालूम है कोई नहीं मिला है, तो फिर गोली किसने चलाई है? तुम में सही कोई है? लेकिन सर हम सब तो बाहर थे। देखो बॉडी में एक होल तो हुआ है, इसका मतलब कोई चीज तो बॉडी के अंदर गई, अब वो क्या चीज है ये मैं पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकता हूँ। सर सही है, इनके लॉयर है मिस्टर रौनक सर, जब शैलेंद्र जी की मौत हुई तब ये इनसे ही बात कर रहे थे। आप एग्जैक्टली उसी समय बात कर रहे थे जब इनकी मौत हुई? जी। आपने इनकी चीख सुनी थी? जी हाँ। इनकी चीख के बाद इन्होंने कुछ कहा था आपसे? जी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैं चिल्ला रहा था कि मिस्टर शैलेंद्र क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, मगर कोई जवाब नहीं आया। अच्छा चीख से पहले क्या बात हुई थी आपकी? मिस्टर शैलेंद्र बता रहे थे कि वो नई वसीयत पर साइन करने जा रहे थे जो उनके सामने पड़ी थी। मगर या तो कोई वसीयत दिखाई नहीं पड़ी, यहां से वसीयत कहां गई? वसीयत कहां गई? मालूम नहीं, मैंने तो नहीं देखी। इन्होंने ही कुछ किया होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर शैलेंद्र मुझे बता रहे थे कि जिस जिस आदमी को वो पुरानी वसीयत में बहुत पैसा देने वाले थे, नई वसीयत में वो उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते थे। मतलब अगर आज ये नई वसीयत साइन कर देते तो इनमें से कई लोग भिखारी हो जाते। तो इसलिए ये खून हुआ है। वो पुरानी वसीयत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन ये खून हुआ कैसे? पता लगा डॉक्टर साहब किस चीज से मरे हैं? ये गोली है या कुछ और है? कुछ और ही है, पर क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो ये सारे इसकी बॉडी के एक्सरेज हैं, और ये है वो चीज जो अंदर है। इतनी लंबी चीज? वही तो, इतनी लंबी गोली मैंने तो आज तक नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी डॉक्टर साहब, मगर एक बात है तो ये बॉडी के अंदर ही ना? हाँ है, बॉडी के अंदर ही। करीब 4 इंच लंबी होगी, मगर 4 इंच लंबी चीज बॉडी के अंदर पहुंची कैसे? एक बड़ी नील जैसी दिखती है, कील जैसी। एक और मुसीबत है, एक तो ये गोली दिखने में बड़ी अजीब सी है, ऊपर से इसके ऊपर जहर भी लगा होगा। ये आदमी जहर से मरा है, देखो इसका चेहरा देखो, नीला हो गया है, होंठ नीले हैं सर। हाँ होंठ नीले हैं, और इसके नाखून देखो सारे के सारे नीले हो। मैंने आज तक एक कील से खून होते हुए नहीं देखा है। मैंने भी कहाँ देखा है भाई, चलो इसे निकाल कर देखते हैं आखिर ये चीज है क्या। सर माय गॉड सच अ बिग नेल। इसके पीछे देखें जरा, कुछ कैप जैसा है क्या? नहीं। अगर ये बुलेट है तो केसिंग का कुछ तो मार्क होना चाहिए इसके साइड में। कुछ नहीं, मुझे ये डार्ट लगती है जिसे एक गन में से फायर करते हैं, जानवर को बेहोश करना होता है तब मारते हैं ना उसे, शायद ये वही है। हाँ ये डार्ट ही लगती है। आपको लगता है डॉक्टर साहब ये किसी गन में से निकली है? हाँ, क्योंकि ये इतनी जोर से आई है, बस कम से कम 40-50 किलोमीटर की स्पीड से तो आई होगी।
तभी तो घुस गई पूरी की पूरी शरीर के अंदर। मगर सर गन में से तो आवाज आती है ना, वहां पे तो किसी ने बात ही नहीं की थी गन की आवाज की। हाँ, किसी ने गोली चलने की आवाज की तो बात की नहीं। देखो ये इस तरह से हुआ होगा, यहां देखो ये इस तरह से आई होगी की या गोली जो कुछ भी है, इस तरह से किसी ने फेंक के मारी होगी है ना, या फिर किसी ने पाइप में से ब्लो करके मारी होगी, या तो किसी ने हाथ से घुसेड़ दी होगी। शार्पनर यहाँ पे गिरा है और खून यहाँ पे और मोबाइल यहाँ पे। हाँ, शार्पनर शायद हाथ से गिर गया होगा। मगर हाथ में क्यों उठाया होगा, पेंसिल तो ऑलरेडी शार्प की हुई है। तो फिर ये यहाँ पे गिरा कैसे, खून यहाँ पे है, मोबाइल यहाँ पे। अगर मोबाइल दाएं हाथ में था तो वैसे खड़ा होगा, पर किसी ने उसे पीछे से मारा। सर हाथ से तो नहीं मारा होगा। क्यों? क्योंकि सर वो कील बॉडी के काफी अंदर तक घुस गई है। कोई हाथ से मारेगा तो कील का थोड़ा सा हिस्सा तो बॉडी के बाहर रहना चाहिए था ना। करेक्ट। तो फिर या तो डार्ट गन या ब्लो पाइप से मारा होगा। हाँ, मगर कहां से? खिड़की? ये खिड़की। दया, जरा ये खिड़की खोल के देखो। दया, तुम इस खिड़की के बाहर जाके वहां से देखो। देखो वहां से ये चेयर बराबर दिखती है क्या? 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से वो कील आई है, जरूर डार्ट गन से ही फायर किया होगा। यहां बैठा होगा। हाँ अभिजीत, यहां से एकदम बराबर दिख रहा है। ये चेयर दिख रही है? हाँ, मैं बैठा हुआ दिख रहा हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है। मगर सर अगर वहां से कोई गोली मारेगा तो गोली इस तरफ लगनी चाहिए, यहाँ राइट साइड में। मगर सर गोली तो पीठ में लगी है। आशा, शार्पनर यहाँ गिरा हुआ है, वो शायद शार्पनर उठा के मुड़ा होगा और गोली पीठ में लगी और वो यहाँ गिर गया होगा। मगर विंडो अंदर से बंद थी। दया, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि खून दो लोगों ने मिलकर किया हुआ है, एक ने गोली मारी और दूसरे ने विंडो बंद। यस डॉक्टर सालोंके, बस एक बुरी खबर है। इस कील नाम की गोली को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, इस पर साइनाइड तो लगा हुआ है मगर इसमें कहीं भी गन पाउडर लगा हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि यह कील एक कील है, यह कोई डार्ट नहीं, यह किसी गन से नहीं चलाई गई, यह कोई गोली नहीं है बॉस, यह किसी ने फेंक के मारी है। क्या बात करें डॉक्टर साहब, एनीवे थैंक यू वेरी मच, आप कभी कभी तो अच्छी खबर दे दिया करो डॉक्टर साहब। दिमाग खराब हो गया डॉक्टर साहब, कह रहे वो चीज गोली नहीं है, किसी ने फेंक के मारी है। कोई मार सकता है फेंक के वो कील इतनी दूर से यहाँ पे? तो फिर किस चीज से मारी होगी सर? वो ब्लो पाइप। और वो ब्लो पाइप है कहाँ? दिमाग खो, कमरे के अंदर एक आदमी का खून हो गया है, बाहर लोग बैठे हुए, सबने चीख सुनी है, सब दरवाजे अंदर से बंद थे, कोई आदमी बाहर भागते हुए नहीं दिखा है। तो फिर ये खून हुआ कैसे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.